तो ये सभी सोड की शोध ये टीएन से, जो कि टकले को पकड़ के अपने एंशिएंट गॉड क्लैन के मेंबर के पास लेकर आता है। उससे पूछता बता भाई ये कौन सा क्लैन के मेंबर है, ये मुझे ना बालू में क्या ब्लड रिसेंट क्लैन या तो जो ब्लड पैटर्न क्लैन है ना उनका मेंबर लगता है, उन दोनों में से किसी एक का मेंबर लगता है। और टकले को मनी मन गुस्सा यहाँ पे आ रहा था कि अरे यार ये बंदा कितना हरामी है, मुझे छोटे बच्चे से उठा के मेरे बारे में पूछ रहा है। सामने से एंशिएंट गॉड वाला बताता कि आपने क्या बोला, ब्लड रिसेंट और ब्लड पैटर्न, नहीं ये दोनों क्लैन का मेंबर यहाँ पे नहीं है, जो ब्लड सर्ज है ना ये ब्लड स्लेज क्लैन का मेंबर है। हमारा मेन कहता कहता क्या ब्लड सर्ज ये कौन सा क्लैन होता है, ये बताता जो भी ब्लड क्लैन है ना उसमें से तीन बड़े इंपॉर्टेंट आते हैं, ब्लड सर्ज, ब्लड पैटर्न और साथ ही में ब्लड रिसेंट जिसके बारे में आपने बोला। तो ये तीनों में इसका जो ब्लड सर्ज है ना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे माना जाता है, चाहे तो अकेले मिलकर जो बाकी दोनों क्लैन है ना उनकी बैंड यहाँ पे बजा सकते हैं, समझ गए क्या। हमारा मेन कहता कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, इनके क्लैन में इतना हार्ड हिम्मत है कि उनकी क्लैन की बैंड बजा सकते, कहीं ऐसा तो नहीं है, और दोनों क्लैन को मिलकर ना इनका क्लैन यहाँ पे तैयार हुआ होगा। जोश सुन द एंशिएंट गॉड कहता है शायद हो भी सकता है, ये पॉसिबल है। तो टकले को गुस्सा आ रहा था, टकले जोश से चिल्लाता है कहता है ऐसे कोई बात नहीं है, तुम्हारा ये कहने का मतलब है कि दोनों ब्लड क्लैन मिला के हमारा ये सर्ज ब्लड क्लैन तैयार हुआ था, नहीं बल्कि हम लोग सबसे कमाल के थे, हम लोग शुरू से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थे, हमारे से निकल कर ना वो पैटर्न ब्लड क्लैन और साथ ही में रिसेंट ब्लड क्लैन यहाँ पे तैयार हुआ, हम शुरू से बाप यहाँ पे थे, समझ गए क्या। जोश सुन द टीएन कहता समझ गया हाँ, लेकिन इसमें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। एंशिएंट ग्लोड क्लैन का मेंबर कहता हाँ लेकिन भाई ये बंदा आपके साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो अभी के लिए वाइट बैटर फील्ड में होना चाहिए। टीएन कहता मगर क्यों, ये बता था क्योंकि इसका लेवल, इसका पावर ना कम नहीं लगता, बड़ा हाई लगता है, और ऐसे हाई लेवल के बंदे ना वूलिंग आर्मी में काफी हाई पोस्ट पर यानी काफी कमांडर होते हैं, जनरल यहाँ पर होते हैं, और ऐसे टाइम पे तो वूलिंग आर्मी फाइट किया जा रही है, तो इसको भी एक कमांडिंग का काम है ना अपने टीम में करना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे क्या कर रहा है। टीएन कहता अच्छा कमांडर हो सकता है, तभी तो अचानक से ना मेरे पास अपीयर हो गया। एंशिएंट गॉड क्लैन कहता क्या अचानक से तुम्हारे पास, ये भी कहता यस मैं तो अपना काम कर रहा था, उतने में कुछ मुझे अजीब महसूस हुआ, जैसे मैंने चेक किया ये यहीं पे था। एंशिएंट गॉड बताता शायद हो सकता है इसने एडवांस में ना से चोरी चुके से पीछे से अटैक करने की तैयारी की थी, इसलिए भाई उसके सब वही सब करने के चक्कर में आपके पास पहुंच चुका रहेगा। तो टीएन भी इसको घूर घूर के देखता है कि अच्छा यानी चोरी चुपके से पीछे से अटैक करने के बारे में सोचा था, यानी साले का भी मेन टारगेट हम ही यहाँ पर है। और टकला भी सोचते कह रहे बाप रे इसको क्या हो गया, ये क्या सोचा जा रहा है, ऐसा घूर के देखा जा रहा है जैसे कि मुझे जिंदा ही खा जाएगा। इसलिए हमारा टीएन कहते कि वो समझ गया मैंने बड़े बड़े कांड किए थे ना जिया फैमिली को मार के बदला पूरा करने का, तो ये बात इसको मालूम चल चुका रहेगा, जिया फैमिली भी इसकी वूलिंग आर्मी के लिए काम करती थी, ये वूलिंग आर्मी कमांडर है तो भाई मुझे रास्ते से हटाने के लिए मेरे पीछे आया होगा। ये दोनों का दिमाग कहते बेचारा गलती से इसके हाथों में आ गया और ये कह रहे कि भाई इसके पीछे पड़ा हुआ है, यार ये खुद ही अपना कुछ भी सोचता है। वो टकला भी कहता है यार मैं तुमको जानता भी नहीं हूं, तो भाई मैं भला तुम्हारे पीछे तुमको मारने के लिए कैसे आ सकता हूं। हमारा टीएन कहता है झूठ मत बोल, झूठ बिल्कुल भी ना बोल, तू अचानक से मेरे पीछे प्रकट हो गया था, तू चोरी चुपके से मेरे ऊपर नजर यहां पे रखे जा रहा था, बोल दे भाई अब तो झूठ मत बोल। ये कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं यार बैटल कर रहा था, बैटल में मैं हार रहा था, तो हार के ना डर के मारे अपन वहां से भाग कर आया, गलती से तुम्हारे पास फंस गया, यार मैं सच्ची में तुम्हारे पे अटैक करने के लिए, तुम्हारे पे पीछे करने के लिए, तुम्हारे पर नजर रखने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया। ये कहता यानी तू बैटल फील्ड में था, ये भी कहता हां मैं था बैटल फील्ड में, मैं बैटल फील्ड के अंदर यहां पे था। टीएन कहता वो यार लगता है तुम्हारे बैटल फील्ड में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग चीजें यहां पे हो रही है और सीक्रेट चीजें जो मुझे जानना है, तो ये भी मनी मन खुश ये जानना है, मुझसे कहेगा कि मुझे लेके चलो, तो भाई मैं लेके जाऊंगा, और जैसे लेके जाऊंगा ना अपने बंदे द्वारा अटैक करवा दूंगा, तो जैसे अटैक होगा ना ये घचो घचो इसकी बैंड बज जाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगा। हमारा टीएन यहां पे सोचता यानी समझ गया साले जो भी है ना वूलिंग आर्मी मेरे पीछे पड़े, मुझे मैंने अपना टारगेट यहाँ पे बना लिए और ताकि भाई नहीं मुझे डिस्टर्ब कर सके, या जब मैं एंजॉय करता हूँ बारबेक्यू खाता रहता हूँ दुश्मन आ जाते हैं मुझे मारने के लिए, यानी जिंदगी में जब मैं पीसफुल जब सबसे आराम यहाँ पे करता ना उसी समय हमला करने आते हो, मेरा आराम का टाइम यहाँ पे डिस्टर्ब कर देते हैं, ये ऊपर वाले ऐसा काय को, क्योंकि भाई मैंने दो चार अच्छा काम क्या कर लिया कि सब लोग मेरे पीछे यहाँ पे पड़ जाते, ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अरे सुन टकले यार मुझे अपने आर्मी के पास लेकर चले, मैं भी बातचीत करूंगा उनको रोकूंगा ताकि मुझे आकर डिस्टर्ब यहाँ पे बिल्कुल ना करे। तो ये भी नाटक करता क्यों अपनी आर्मी के पास, मैं मर भी जाऊंगा तो भी लेकर नहीं जाऊंगा। मनी मन खुश मैं तो ले जाना चाहता हूँ ताकि सब लोग मिलकर तेरी बैंड बजाए, लेकिन डायरेक्ट बताऊंगा तो भाई गड़बड़ होगा ना, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए थोड़ा नाटक वाटक करता हूँ। सामने से ये कहता अच्छा तू नहीं बताएगा तो भी मैं रास्ता यहाँ पे पता कर लूंगा, सुनो तुम बाकी बंदे एंशिएंट गॉड वाले अपना काम करो, इसको लेके मैं यहाँ पे चला। वो तो खुश कि यहाँ पे चल तू मुझे लेकर, भाई तू तो बेटे गया, उसको लेकर निकल जाता है। नीचे सड़िए जो बेटा यहाँ पे था प्लान क्लैन वाला, वो देखता कि वेल यार मुझे ऐसा क्यों लगता कि वो जो ब्लड क्लैन का टकला था ना वो जानबूझ के टीएन को अपने साथ ले जाना चाहता है, जानबूझ के वो बस नाटक कर रहा था कि मम्मी रे तुझे नहीं बताऊंगा ऐसा बोलने का। अपने एंशिएंट गॉड क्लैन का मेंबर कहता है यस, उसको शायद ऐसा लग रहा है कि अगर वो टीएन को अपने साथ अपने एरिया में लेके चल गया ना तो उसके बंदे सपोर्ट कर पाएंगे, बेचारा टकला उसको आइडिया ही नहीं है, ऐसा कर करे ना कोई बंदा उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा बल्कि उसके सारे बंदों की बैंड बजेगी। तो बेटा यहाँ पे कहता है हाँ लेकिन ये निकल चुके, तो
तो पक्का ये जहाँ से मारेंगे नहीं बंदलों को, उनकी कुटाई करेंगे, उनको भी नहीं यहाँ पे लेकर आएंगे और यही सारा काम धंधा यहाँ पे करवाएंगे। पहले से दो टीम यहाँ पे तैयार थी, तुम्हारी टीम यहाँ पे तीसरी तैयार हो गई है, तुम्हारी टीम में ज़्यादा मेम्बर नहीं है। जो नए नए लोग यहाँ पर आएंगे ना, तो नई नई टीम मतलब वो नए नए जो लोग ना तुम्हारी टीम के मेम्बर यहाँ पे बन जाएंगे, फिर तुमको जो करना है वो कर सकते हो। ये कहता हाँ ये बात तुमने ठीक बोला, जब मेरी टीम में आएगी मेरी टीम भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी। तो जो बाकी दोनों टीम पहले से थी ना, उन टीम की धजियाँ यहाँ पे उड़ाऊंगा। घच्चो घच्चो ये पीछे से बेटा भी देखता हुआ, एक टाइम पहले कितना कमीना कितना हरामी यहाँ पे था, लेकिन मिस्टर शेव टीएन की वजह से कितना कमाल का बन गया। अब आते हमारे मेकर टक्के जो कि सिस्टम से पूछता, सिस्टम मुझे बताओ ये टकला कहाँ से आया है और उसी एरिया में लेके चलो। सिस्टम भी कहता ओके ठीक है भाई, हम लोकेशन डिटेक्ट करते, जैसे लोकेशन डिटेक्ट होगा हम लेके चल जाएंगे। आते लोकेशन में जहाँ पे फाइट हो रही थी, जो दूसरा कमांडर टकला यहाँ पे था वो तो अभी फाइट किया जा रहा है। हमारे दोनों बापों की बहन बह चुकी थी सामने से भाई, अपना ये मरानी वाला बाप कहता है शिट यार बंदा बड़ा टफ है, इसको हरा नहीं पा रहे। डेमन मरानी का बाप कहता है यार मेरा चोट वोट लगी हुई है जिसके चक्कर में अभी तक हील नहीं हुआ है, अगर मुझे चोट नहीं लगी रहती यार यू ऐसा मुंह में देखे उसको मारता। मनीमन सोचता है चोट तो बस एक बहाना है, बंदा सच्ची बड़ा स्ट्रांग है भाई, फट रही है मेरा भी फट करने से। सामने से टकला कहता है यार मुझे लगा ना तुम दोनों बड़े स्ट्रांग हो गए, मिलकर फट करोगे तो मुझे हरा दोगे, नल्ले थे नल्ले हो और नल्ले रहोगे। तो डेमन मरानी का बाप कहता तो ज्यादा बोल मत और ज्यादा अपनी औकात से बाहर यहाँ पे मजा, यार मेरे बीबी बच्चे मुझे उनका टेंशन है, मुझे उनसे जाके मिलना, इसके लिए मैं ज्यादा फाइट वाइट पे यहाँ पे ध्यान नहीं दे रहा। प्लस हमारा एक और नया भाई टीम में आ चुका है, नया भाई जाता हमारे टीम में ना जब तक भाई तू मतलब हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अपनी मरानी के बाप से कहते कि हाँ भाई मुझे एक लड़के ने यहाँ पे बचाया था, वो भाई उसको मैंने अपना भाई बना लिया था, मैंने तुझे बताया था ना मालूम है भाई वो कौन है, उसका नाम बताना चाहता हूँ। तो अपना ये वाला बाप कहता कि ना ना प्लीज मत बोल यार, वो हमारा दमादी लगेगा यार, इसको नहीं मालूम है। सामने से जोर से कहते यस उसका नाम यहाँ पर है शायो टीएन, जो हमारे मेकर टक्के का नाम है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मुझे भी इस वाले ससुर का रिएक्शन देखना है, जो मालूम चलेगा कि भाई मैंने अपने दामाद को अपना भाई बना लिया। चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।